लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अब तक कैंपेन लॉन्च कर रही है, इस समय क्या कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सुनते हैं। हर गरीब से गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए, पैसे की कमी की वजह से कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, पूरे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब। बाकी किसी स्टेट में 24 घंटे लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती, कॉमर्शियल वालों को बिजली नहीं मिलती, घरों को बिजली 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं पूरे देश में, केवल दिल्ली और पंजाब में पूरी बिजली आती है। आज दिल्ली और पंजाब 2 स्टेट केवल ऐसे हैं जहां पे आपको फ्री बिजली मिलती है, बाकी पूरे देश में इतनी महंगी बिजली कईयों की तो पूरी तनख्वाह निकल जाती है बिजली के बिल देने में। बहुत काम किए, ये जो पर्चा अभी लॉन्च किया, ये पर्चा अब घर घर बांटने जाएंगे हमारे कार्यकर्ता, इसमें सारे काम लिखे हैं। लेकिन जब मैं ये काम कर रहा था तो ये बीजेपी वाले एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं, हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे, ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जुर्रत की कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। ये आपका कसूर है। आप लोगों ने 3 बार एक मामूली आदमी को दिल्ली की कुर्सी पे क्यों बिठा दिया? इसलिए बीजेपी वाले एलजी और केंद्र सरकार आपसे नफरत करते हैं, बदला निकाल रहे हैं वो। याद करो, आज से 6-7 साल पहले जब मैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था, उस समय एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार थी, मेरे बने बनाए मोहल्ला क्लिनिक बुलडोजर भेज के इन्होंने तोड़ दिए दिल्ली के अंदर, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने बनाए, एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, एमसीडी वालों ने बुलडोजर भेज के दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए। इतने गंदे लोग कौन हो सकते हैं? जब मैं दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहा था, आज फक्र है हर दिल्ली वाले को, पूरी दुनिया में, ये मैं नहीं कह रहा, फोर्ब्स मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन ने 2021 में बोला है कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की डेंसिटी दिल्ली के अंदर है। 5 साल के अंदर दिल्ली में सबसे ज्यादा मोहल्ले सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हमने। जब मैं सीसीटीवी कैमरे मैंने लगाने चालू किए तो एलजी साहब ने फाइल रोक दी, मेरे को सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने दिए। तब मैं, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एलजी साहब के घर के अंदर घुस के उनके कमरे में 10 दिन तक हमने धरना दिया था, याद करो, तब उस टाइम इन्होंने कैमरे लगाने की फाइल पास की थी। हम घर घर राशन देना चाहते थे, इन्होंने राशन की फाइल रोक ली। पिछले साल 2 महीने तक दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी इन लोगों ने, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के किराया रोक दिया इन लोगों ने, दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद कर दी इन्होंने, एलजी साहब ने, केंद्र सरकार ने और इन्होंने मिलकर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद कर दिए इन लोगों ने। इतना निर्दयी कौन हो सकता है जो गरीबों का इलाज बंद कर दे? इतनी नफरत क्यों है? इतना निर्दयी कौन हो सकता है? इन्होंने योगा बंद कर दिया, 17,000 लोगों के लिए मैंने योगा चालू किया था दिल्ली में, फ्री योगा टीचर भेजता था, इन्होंने योगा बंद कर दिया। हमारी एक स्कीम थी फरिश्ते, उसमें दिल्ली में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका बड़े से बड़े, महंगे से महंगे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते थे, सारा इलाज मुफ्त होता था। 23,000 लोगों की मैंने जान बचाई थी फरिश्ते से, एलजी साहब ने फरिश्ते स्कीम बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट गया मैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, दोबारा चालू कराई मैंने फरिश्ते स्कीम। आपका एक भी काम मैंने बंद नहीं होने दिया, इन्होंने बंद की पिछले साल दवाइयां बंद की, मैंने लड़ लड़के इनसे दोबारा चालू कराई। पिछले साल इन्होंने टेस्ट बंद किए, मैंने लड़ लड़के दोबारा इनसे चालू कराए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने 7 MP बनाए थे, वो 7 MP कहां थे जब आपकी दवाइयां बंद की जा रही थी, जब आपकी पढ़ाई बंद की जा रही थी, जब आपके योगा बंद किया जा रहा था, जब आपके अस्पतालों की दवाइयां, कहां थे ये 7 MP? ये तालियां बजा रहे थे,
ये ताली, जब आपके घर में कोई बीमार होता है ये एमपी ताली बजाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, दिल्ली वाले बीमार पड़ गए। जब आपके बच्चों की पढ़ाई रुकते हैं ये एमपी तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पार्टी करते हैं। जब आपके बच्चे तरसते हैं किसी चीज के लिए, जब आपके घर के लोग तरसते हैं किसी चीज, ये एमपी ताली बजाते हैं। ऐसे लोगों को हमने पाल रखा है, दूध पिला रहे हैं हम ऐसे लोगों को। क्यों? जब संसद के अंदर ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा था, दिल्ली के लोगों का हक छीना जा रहा था, कहां थे ये सातों एमपी? ये सातों एमपी तालियां बजा रहे थे। एलजी के पास जा जाके ये सातों एमपी आपके काम रुकवाते हैं। क्यों देते हैं हम ऐसे लोगों को वोट? कल मैंने बिजली सब्सिडी पास की है कैबिनेट में, मैं आपको बता नहीं सकता कितना लड़ना पड़ा है मेरे को। ये चाहते हैं, मैं ये कहता हूं भाई हम अच्छे काम कर रहे हैं, तुम भी करो। हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, तुम क्यों नहीं करते? तुम भी करो, यूपी में करो, मध्य प्रदेश में करो, जहां जहां राजस्थान में करो, जहां जहां तुम्हारी सरकार है तुम करो, गुजरात में करो। हमने बिजली मुफ्त कर दी, तुम भी करो। कह रहे ना हम तो नहीं करेंगे, तेरे को भी नहीं करने देंगे। बड़ी मुश्किल से, मैं बता नहीं सकता दिल्ली वालों मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारी बिजली सब्सिडी पास कराई है। अगले एक साल के लिए अब आपको मुझे बिजली फ्री मिलती रहेगी। आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन सातों सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह? आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट दी, मेरे को मजबूत किया। दूसरी बात, 70 में से 62 सीट दी, मेरे हाथ मजबूत किए विधानसभा के अंदर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज ये जो मैं इनसे लड़ पा रहा हूं थोड़ा बहुत, ये इसी वजह से लड़ पा रहा हूं, जो भी थोड़े बहुत काम कर पा रहा हूं इसी वजह से काम कर पा रहा हूं, क्योंकि आपने इतना भारी बहुमत दिया था। अगर आपने 70 में से 40 सीट दी होती, ये बीजेपी वाले सरकार तोड़ देते, गिरा देते, खरीद लेते, डरा देते मेरे एमएलए को। ये तो आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि आपने 70 में से 62 सीट दी। इसी तरह से जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को सातों एमपी दे दो जो इंडिया गठबंधन के हैं, सातों एमपी दे दो। ये सात एमपी मेरे सात बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये सातों काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये सातों काम रोक के काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये सातों एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये सातों एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए। और ये तो कहते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारी 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले, आपकी जरूरत ही नहीं इनको। खुलेआम कह रहे हैं 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, इनको दिल्ली वालों के वोट चाहिए ही नहीं, इनको दिल्ली के सांसद चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए आप। मैं आप, मेरे को आपकी जरूरत है, मेरे को दिल्ली वालों की जरूरत है, मेरे को दिल्ली वाले चाहिए, मेरे को दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग चाहिए, मेरे को उनसे प्यार है। मैं दिल्ली वालों से प्यार करता हूं या आपसे नफरत करते हैं, मेरे को दे दो। मैं एक एक वॉलंटियर मैं आपके घर घर आऊंगा वोट मांगने के लिए। ये नहीं आएंगे, इनको नहीं चाहिए, अहंकार हो गया इनको, बहुत अहंकार है। जिसको वोट चाहिए उसको दो ना, जिसको वोट नहीं चाहिए उसको वोट क्यों दे रहे हो? और अभी महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया है 1000-1000 रुपए। मैं देख रहा था टीवी चैनल पे, महिलाएं बड़ी खुश हैं, हर टीवी चैनल वाला सड़क पे जाके पूछ रहा, महिलाएं बड़ी खुश हैं। पर हर महिला कह रही अच्छा, यकीन नहीं हो रहा महिलाओं को, अच्छा होगा क्या, होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं सारी मां बहनों को कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कभी सोचे ही नहीं थे। कभी जिंदगी में सोचा था बिजली मुफ्त भी आ सकती है? पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ बिजली मुफ्त भी आ सकती है और 24 घंटे भी आ सकती है। अरे केजरीवाल है, केजरीवाल के टाइम में पता नहीं क्या क्या भी और चमत्कार होने बाकी हैं।
मैं सारी महिलाओं को बोल रहा हूं, मैं हूं, आपको 1000 रुपए दिला के रहूंगा। बजट में पास हो गया, ये कोई मैं ऐलान नहीं कर रहा, बजट में पास करके आया हूं, विधानसभा में पास हो गया, ये चालू होगा। बस आप मेरे को आशीर्वाद दे देना, आपसे मैं बदले में यही मांग रहा हूं, मेरे को 7 MP जिता दो ताकि मेरे को और ताकत मिले। दूसरी चीज, आप 7 BJP के MP जिता देते हो, आपको क्या मिलता है? केवल और केवल आपके काम रोकने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। व्यापारियों को इतनी तकलीफें हुई हैं पिछले 10 साल में, एक बार नोटबंदी आ गई, एक बार GST आ गई, एक बार वो हीरे के व्यापारियों के ऊपर कुछ इन्होंने लगाया था, कितनी बार व्यापारियों, कभी दिल्ली के एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई? व्यापारियों से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के कभी एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई? हिम्मत ही नहीं है, किसी बीजेपी के MP की हिम्मत ही नहीं है जो आपकी आवाज उठा दे, तुरंत उसको दो ऊपर से डंडा मारेंगे ये लोग की खबरदार तूने जो बीजेपी के खिलाफ बोला। मैं आपकी आवाज बनूंगा, हमारे 7 MP आपकी आवाज बनेंगे। दिल्ली के अंदर DDA है, हमारी चलती नहीं DDA पे, 7 MP दोगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, DDA में आपके काम करा के लाएंगे। दिल्ली पुलिस इनके अंडर में है, 7 MP आप हमें दोगे, दिल्ली पुलिस में आपके सारे काम करा के लाएंगे। दिल्ली में इतनी सारी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, किसी में आपकी आवाज नहीं है, दिल्ली वालों की आवाज नहीं है। इन सारी जगहों के ऊपर ये दिल्ली के MP आपकी आवाज बनेंगे। तो अब हमारे अगले महीने 2 महीने में जब भी चुनाव होता है, तब तक हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे, 2 या 3 बार पूरी दिल्ली का राउंड लगाया जाएगा, आके आपके पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे और आपसे वोट मांगेंगे। इनको वोट नहीं चाहिए, मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं मैं दिल्ली का बेटा हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। बीजेपी के 7 MPs जब जीत कर आते हैं तो वो दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं करते। दिल्ली में बीजेपी के 7 MP दिल्ली के दुख और दर्द में सिर्फ खुशियां मनाने का काम करते हैं। हम काम की राजनीति करते हैं, बीजेपी नाम की नफरत की राजनीति करती है। तो कैंपेन लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्च करते हुए, प्रचार के अभियान को धार देते हुए आम आदमी पार्टी को आप देख रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।